सुरभि यानी सुगंध, खुशबू। संस्कृति और कलाएं खुशबू की तरह हमारे जीवन में बस जाती हैं और उसे भरा पूरा बनाती हैं। इसी के जरिए हमारी पहचान बनती है और संस्कृति ही वो डोर है जिससे विभिन्न मनुष्य समाज आपस में जुड़ते हैं। सुरभि कला के अनेक पहलुओं की एक झलक है। इसमें संगीत, शिल्प, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, रंगमंच, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और इन सब के लिए जरूरी इंसानी जुनून को शामिल किया है। हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो आज हो रहा है उसकी एक झलक है सुरभि। इस सप्ताह सुरभि के पहले अंक में हम देश के कोने कोने में महकती कला को संजोकर लाए हैं। महक, कला, सुगंध, इन सब बातों के बाद सुरभि की शुरुआत शायद आपको चौंका दे। केरल की जोश भरी, उमंग भरी कला कलरीपयट, सुप्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम की संगीत सभा की विशेष झलक, गुजरात की ट्रेडिशनल ग्लेजिंग प्रोसेस यानी कलाई करने की कला, सीमा पर तैनात लद्दाख के विशाल शे मॉनेस्ट्री की दयनीय दशा, और इन सब के साथ सुरभि के हर अंक में खुशबू बिखेरता, आपकी सोच को झिंझोड़ता सवाल जवाब। हमारे एक निर्देशक मंजुल सिन्हा केरल के एक छोटे से गांव से लेकर आए हैं आज की पहली कहानी आपके लिए। कलरीपयट युद्ध कला प्रशिक्षण की दुनिया में सबसे पुरानी और जीवित परंपराओं में से एक। उस परंपरा की गहरी छानबीन करने के लिए हम गए उत्तर केरल के पुडुपनम गांव, करुणन गुरुकल और उनके योद्धा शिष्यों के साथ एक दिन बिताने। प्रवेश करते ही हमें ऐसा लगा मानो हम धार्मिक अनुष्ठानों, आत्म अनुशासन, गुरुकल के लिए गहरे सम्मान और शांति की अद्भुत दुनिया में आ गए हैं। कलरीपयट, कलरी और पयट दो शब्दों से मिलकर बना है। कलरी यानी नीची छत वाली 4 फुट गहरी व्यायामशाला और पयट का मतलब है युद्ध कला प्रशिक्षण। मगर कलरी साधारण व्यायामशालाओं से कहीं ज्यादा मतलब रखती है। शिष्यों के लिए यह शिक्षा का एक पवित्र मंदिर जैसा है। यहां कल्लरी देवी की प्रतिमा और गुरुकुलों की लंबी परंपरा की निशानियां हैं। प्रशिक्षण के हर दौर से पहले गुरुकुल का आशीर्वाद लेना शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। कलरीपयट प्रशिक्षण का हर चरण कठोर नियमों से बंधा हुआ है। सबसे पहले तेल मालिश और शरीर को लचीला और मुलायम बनाने के लिए गुरुकुल के बलिष्ठ पैरों की रगड़, फिर खास कलरी पयट शैली में कलरी देवी की पारंपरिक वंदना, गुरुकल का आदेश, सही संतुलन, शरीर में बहने वाली शक्ति को महसूस करो, शरीर को मोड़ो, घुमाओ, उछलकर तेज गति से घूमो, देखो कि तुम्हारा शरीर कितना ऊपर और कितनी दूर जा सकता है, उससे और ऊपर जाओ, ध्यान केंद्रित करो। प्रशिक्षण का ये चरण मैथ्री कहलाता है। अब शिष्य लकड़ी के हथियारों से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये दूसरी अवस्था है जिसे कोलथरी कहते हैं। जैसे जैसे अभ्यास तेज होता जाता है हथियार शरीर का ही अंग लगने लगते हैं और पैरों की गति ऐसी मानो नृत्य हो रहा है। इस अवस्था से गुजरकर शिष्य तैयार होता है असली हथियारों से लड़ने के लिए। अंक थरी यानी खतरनाक हथियारों से लड़ाई, तलवार के सामने निहत्था इंसान, और अब पासा पलट गया,
भाले के सामने भाला, ढाल और तलवार केरल के योद्धाओं के पसंदीदा हथियार। यह अभ्यास पहले से तय किया हुआ होता है, मगर लड़ते वक्त शिष्य पूरी ताकत से और खुलकर वार करते हैं। जरा सी चूक के सीना चाक, यह है एक संपूर्ण कल्लरी पयट योद्धा के प्रशिक्षण का ढंग। ब्रिटिश सरकार ने कल्लरी पयट पर पाबंदी लगा दी थी, मगर कुछ गुरुकलों ने अपनी मेहनत और लगन से इस पारंपरिक कला को जीवित रखा। कोई भी इंसान जीवन भर में जितना कुछ पा सकता है, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में पा लिया है। उनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में बहुत आदर, बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। हमें यह कहकर बहुत गर्व, बहुत खुशी होती है कि सुरभि को संगीत देने के लिए डॉक्टर एल सुब्रमण्यम अमेरिका के लॉस एंजलिस से यहां तक आए। इसी महान कलाकार की एक झलक, हियर इज अ ग्लिम्स ऑफ अ जीनियस। सादगी के साथ वो बैठे हैं, शांत सीधा सादा सा नाश्ता करते हुए, उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि हम इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के साथ हैं। 6 साल के जिस बालक ने अपनी पहली सोलो परफॉर्मेंस में सुनने वालों को मोहित कर दिया था, उन्हें जब श्रेष्ठतम वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के साथ बजाने का मौका मिला, तभी वो समझ गए कि अब उनकी दुनिया किसी एक देश के छोटे मंच तक सीमित नहीं। For the New York Philharmonic by Mr. Mehta. He said, we will do it for the India Festival opening of the New York Philharmonic season, so write something very powerful and I'd like you to play as a soloist also. So that was the time I was involved with Peter Brook's Mahabharata. My mother died and so all these things were going in my mind, and then I started jotting down some of the melodic patterns. So that's how I wrote the Fantasia and Vedic Chant.